नमस्कार शिक्षक, आप सभी को हमारे YouTube चैनल जस्ट फॉर हेल्प यू में स्वागत है। आज हम NIOS d.el.ed से जुड़ी बहुत सारे विषय पर बात करेंगे, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। पहले हम बात करेंगे जो कि फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन के बारे में, जो 31 मई, 1 जून और 2 जून को होगी। तो आप एग्जामिनेशन में क्या क्या लेकर जाएंगे? तो लेके जाइए आइडेंटिटी कार्ड, हॉल टिकट और साथ में कोई अपना डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी आप ले सकते हो। तो साथ ही साथ आपको जो ब्लैक पेन या ब्लू पेन आप यूज कर सकते हो, तो उसके सिवाय आप कोई भी नहीं ले जा सकते। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन, हेडफोन, कोई भी आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर नहीं ले जा सकते। तो अगर आप ले भी जाएंगे तो आपको बाहर ही रखना पड़ेगा। साथ ही बहुत सारे शिक्षकों के मन में तरह तरह के क्वेश्चन उठ रहे हैं, जैसे 504 और 505 एग्जामिनेशन कब होगी। अगर आपका जो 501, 502 और 503 एग्जामिनेशन ख़राब हो गया व आप किसी भी कारण नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा, तो मैं आज आपको बताऊंगा। आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपका किसी भी कारण 501, 502 और 503 का एग्जामिनेशन ख़राब होता है या आप किसी भी कारण एग्जामिनेशन नहीं दे पाते, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब 504 और 505 यानी कि जुलाई और अगस्त महीने के बीच में एग्जामिनेशन होगा, तब आपको 501 और 502, 503 फिर से देने का मौका मिलेगा। तो आपको इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं, आप निश्चिंत, पूरा टेंशन, बिना टेंशन लिए आप अपने स्टडी पर कंसंट्रेट कीजिए, ताकि आपको 501, 502 और 503 का एग्जामिनेशन दोबारा नहीं देना पड़े। तो बहुत सारे शिक्षकों के मन में क्वेश्चन पैटर्न को लेकर प्रश्न है, जो कि क्वेश्चन पैटर्न आपको क्या आएगा, कैसा क्वेश्चन पैटर्न आएगा। तो NIOS ने सैंपल पेपर अपलोड की है, वहाँ पर कैसा क्वेश्चन पैटर्न रहेगा वो भी है, साथ में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, आप देख सकते हैं स्टडी मटेरियल पर जाके। यहाँ पर असाइनमेंट एंड सैंपल पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर, वहाँ पर आपको क्लिक करते ही 501, 502 और 503 का जो सैंपल पेपर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन पैटर्न कैसा है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा, जो 2 मार्क का MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आएगा, 10 क्वेश्चन आएगा, और जो 6 मार्क का है क्वेश्चन जो 10 आएगा, उनमें से आपको 5 को आंसर करनी है। इसी प्रकार जो लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क की 4 आएगी, तो 4 में से आपको 2 का आंसर करना है। बहुत सारे शिक्षकों को रोल नंबर को लेकर कंफ्यूजन है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोगों का जो इनरोलमेंट नंबर है वही आप लोगों का रोल नंबर है। साथ में आप लोगों को एक ज़रूरी सूचना, आप लोगों को कोई भी एडिशनल आंसर स्क्रिप्ट नहीं मिलेगा, ये अलाउ नहीं है। तो आप जो 32 पेजेस का आंसर स्क्रिप्ट देते हैं उन्हीं में से आपको अपना आंसर संपन्न करना होगा, यानी कि आपको एडिशनल आंसर स्क्रिप्ट नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक कर दे और साथ में वीडियो को शेयर करना भी ना भूले। धन्यवाद।